हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस का चैप्टर 6 का पार्ट नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने श्वसन और श्वसन के टाइप्स को प्रकार को पढ़ाया है, और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आपको दिख रहा होगा ये फिगर बना हुआ है, और यहाँ पर ये स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। इससे आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन ली जाएगी मुख के मनासा द्वार के द्वारा, जैसे हम श्वसन करते हैं। तो पहले कुछ भूमिका देखते हैं। जैसे देखते हैं कि जो पौधे होते हैं उनमें भी श्वसन होता है, ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, CO2 ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन का निष्कासन किया जाता है। तो वो किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा होता है। अगर जलीय जीवों की बात करें, जलीय जीव क्या करते हैं? जैसे अब बात करें जलीय जीव में मछली की, तो एक क्वेश्चन आता है कि मछली जल्दी जल्दी सांस क्यों लेती है? तो इसका रीजन होता है कि जो ऑक्सीजन जल में घुली हुई होती है वो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, जिससे क्या होता है कि मछली जो है वो जल्दी जल्दी सांस लेती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मछली जल में श्वसन किस प्रकार करती है, तो आप लोगों को पता है कि मछली किसे सांस लेती है? गलफड़ों के द्वारा। तो गलफड़े में क्या होता है, वो एक्चुअली जो जल होता है वो जल को, जल में जो ऑक्सीजन घुली होती है वो अपने शरीर के अंदर ग्रहण करती हैं, और तो ऑक्सीजन जो है वो वहां पर रुधिर वाहिकाओं के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और जो अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड होता है पूरे शरीर का वो उसी जल के साथ मछलियों की गलफड़ों के द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसी तरह ह्यूमन में क्या होता है, मनुष्य में क्या होता है, वो नाक के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, नाक से सांस लेते हैं। तो अब आइए हम इसको समझते हैं। तो यहां पर ये क्या लिखा है, नासा द्वार। तो यहां से क्या होगा, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, ऑक्सीजन खींची गई और वो इधर से इस मार्ग से होते हुए, ग्रसनी से होते हुए कहां पर पहुंचेगी, कंठ में पहुंचेगी। कंठ के बाद श्वसन नली में पहुंचेगी, फिर श्वसनी में, और उसके बाद श्वसनिका, ये जो संरचना आपको दिख रही है श्वसनिका में पहुंचेगी, और उसके बाद इन कूपिकाओं में, ये कूपिका है, ये आपकी कूपिका है, और इसमें वो श्वसन जो है, जो वायु है ऑक्सीजन है वो यहाँ पर पहुंचेगी। उसके बाद कूपिका कोश में पहुंचेगा, और उसके बाद रुधिर वाहिका, रुधिर, और पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। तो आइए जानते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो ये तीन पॉइंट ही आपके इंपॉर्टेंट है, श्वसन नली, और एक चीज यहां पर बात कर लेते हैं कि जहां पे ये लिखा है श्वसन नली लिखी हुई है और यहाँ पर क्या लिखा है, उपास्थि वलय। तो इसका रीजन क्या होता है, अगर पूछता है कि मनुष्य के जो डायफ्राम बना होता है, जो फिगर होता है, वो श्वसन तंत्र होता है, उसमें श्वसन नली में जो श्वसन नली किसकी बनी होती है, उपास्थि वलय की बनी होती है, और ऐसा क्यों होता है, जिससे कि ऑक्सीजन को आने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं श्वसनिका की, श्वसनी की। तो यहां से क्या होगा, जब ऑक्सीजन आएगी तो यहां से फिर कहां जाएगी, श्वसनिका में पहुंचेगी, कूपिका में पहुंचेगी, और उसके बाद रुधिर वाहिकाओं में पहुंचेगी। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब यहां पर देखते हैं, ये लिखा है नासा द्वार। तो यहां पर एक्चुअली क्या होता है, आपने देखा होगा नाक में हमारे छोटे छोटे से बाल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो धूल मिट्टी, जो वायु के साथ धूल मिट्टी के कण आते हैं वो उन्हें रोकने में मदद प्रदान करता है। जो छोटे छोटे से बाल होते हैं नाक में, वो धूल मिट्टी के कण को वहीं रोक लेते हैं, और शुद्ध वायु सांस के द्वारा अंदर, जब हम सांस को अंदर खींचते हैं तो वो अंदर जाती है। और एक चीज इसमें, एक श्लेष्मा का स्राव होता है जो इसे धूल मिट्टी के कण को रोकने में मदद करता है। अब बात करते हैं श्वसन नली की। तो यहां से जब कूपिका में पहुंचेगा, श्वसनी, श्वसनिका और कूपिका में, तो कूपिका क्या होती है, चलिए यहां पे बना लेते हैं थोड़ा सा।
ये एक गुब्बारे जैसी संरचना होती है। तो इसमें क्या होता है, ये रुधिर वाहिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? रुधिर वाहिकाएं होती हैं। तो यहां पर अब क्या होता है, अधिकांश गैसों का जहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन आएगी, ठीक। और जो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होगा वो भी यहीं पर आके रुधिर वाहिकाओं के द्वारा जहां कूपिका में पहुंच जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि कूपिका में गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, मतलब कि कहां कहां से ग्रसनी, कंठ, श्वसनी, कूपिकाएं, श्वसनिका आदि से वायु ऑक्सीजन होकर के कहां पर पहुंचती है, इन कूपिकाओं में पहुंचती है। और इन कूपिकाओं में होती हैं रुधिर वाहिकाएं, और रुधिर वाहिकाओं के द्वारा जब ऑक्सीजन को अवशोषित किया जाता है, और अवशोषित करने के बाद रुधिर वाहिकाएं उस ऑक्सीजन को कहाँ भेज देती हैं, रुधिर में भेज देती हैं, और रुधिर से फिर वो पूरे हमारे शरीर में संचारित हो जाता है। तो अब आपके समझ में आ गया कि यहां से अब फिर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको फिर यहां से कहां से जाएगा, ये कूपिका में पहुंचेगा, कूपिका से फिर कहाँ जाएगा, श्वसनिका में जाएगा, फिर श्वसनी के पास पहुंचेगा, श्वसन नली में पहुंचेगा, कंठ में पहुंचेगा, ग्रसनी और नासाद्वार के द्वारा जब हम बाहर की ओर सांस को बाहर खींचते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के चला जाता है वातावरण में, और ऑक्सीजन ग्रहण करते। तो यही प्रोसेस चलता रहता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो कहाँ पे होता है, कूपिका में होता है, और कूपिका के अंदर ही रुधिर वाहिकाएं होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से ग्रहण करती हैं, और ऑक्सीजन को भी कहाँ से ग्रहण करती है, ये श्वसनिका से कूपिका में पहुंचेगा और कूपिका कोश में पहुंचेगा। तो इस तरह से सारी गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है, कूपिकाओं में होता है। तो ये आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो आप लोगों के समझ में आया होगा। और एक चीज, अगर हम बात करें कि हम कैसे पता करेंगे कि जो हम निकाल रहे हैं बाहर वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, इसका रीजन क्या होता है, एक जार ले लीजिए आप, और उसमें एक ऐसी पाइप लगा दीजिए, और यहां पर आप ले लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब लेंगे, और यहां से जब हम फूंक मारेंगे, यहां से अपने मुंह के द्वारा जब फूंक मारेंगे, तो हमने बताया क्या कि जो बाहर निकलता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शंस होती है, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका रंग किस तरह हो जाता है, दूधिया हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये प्रयोग आप लोग घर पे करके देख सकते हैं, लेकिन घर पे संभव नहीं है क्योंकि हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। इसलिए हम प्रयोगशालाओं में आगे पढ़ेंगे, तब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि सर ने हमें बताया था और हम आज ये प्रयोग करके देखते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और आप लोग अच्छे से पढ़िए, और जो समझ में नहीं आया वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं।